हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, इसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप को यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे कोने में थ्री डॉट का ऑप्शन है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में क्लिक करेंगे। अकाउंट में क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है प्राइवेसी का, हम इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लॉक, इसको यहाँ से टच करेंगे। फ्रेंड्स, हमें फिंगरप्रिंट लॉक क्यों इनेबल करना चाहिए? अगर आपके व्हाट्सएप को कोई भी एक्सेस कर लेता है तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक मांगेगा और ऐसे में वो आपके व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर वो हैक करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा और वो फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक को ज़रूर इनेबल कर देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट देना है, जहाँ आपका फिंगरप्रिंट पीछे या डिस्प्ले पे जहाँ भी है। तो चलिए मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। इस तरह से हमारा फिंगरप्रिंट एक्सेस हो गया और यहाँ पे फिर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक इमीडिएटली, एक आफ्टर वन मिनट और 30 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि जैसे स्क्रीन ऑफ हो तुरंत ही आपको फिर से फिंगरप्रिंट मांगे, या फिर 1 मिनट बाद मांगे, या फिर आफ्टर 30 मिनट बाद ही फिंगरप्रिंट मांगे, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इमीडिएटली पे क्लिक कर दिया हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से बैक कर लेता हूँ। और बैक करने के बाद फ्रेंड्स, अब जब भी हम इसको बैक कर स्क्रीन को ऑफ करेंगे तो ये फिर से हमें वन इमीडिएटली ये फिंगरप्रिंट ऑप्शन मांगेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक यहाँ से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो इस कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।